Actor Sunil Shetty will be seen as a bureaucrat in an upcoming film Koilanchal, a film based on the coal mafia in the Jharkhand belt of the country. Watch him talk about his character, film, his experience of working with veteran actor Vinod Khanna here in an interview. He also talked about the crucial issues prevalent in the country. देखिए कोशिश है कि एक ऐसी सब्जेक्ट को हाथ लगाए जो वाकई अलग अच्छे एक्टर्स एक अच्छी स्क्रिप्ट एक अच्छे डायरेक्टर और एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन और कहानी कोल माफिया की और अगर जैसे फिल्म में कहा जाता है कि अगर कोई माफिया है इस बिजनेस में तो वो सरकारी है भारत सरकारी होती है हमेशा तो उसकी कहानी है अभी देखते हैं ऑडियंसिस को क्या क्या लगता है हमें पर्सनली तो करने में मज़ा आता है क्योंकि एज एन एक्टर आपको अलग रोल किरदार निभाने का मौका मिला मैं एक ब्यूरोक्रेट का किरदार निभा रहा हूँ एक कलेक्टर का किरदार निभा रहा हूँ जो मैंने कभी किया नहीं बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना अग्रेसिव न होना दायरे में रह के काम करना आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार मेरे लिए ना कहीं जिस तरह से ना भारत सरकारी माफिया कहीं ना कहीं आपको मालूम है विवादों का देश है हमारा गलती हो ना हो लेकिन विवाद पैदा हो जाते हैं इस बात का कहीं आपको डर है अंदेशा है कि ऐसा ऑफ कोर्स क्योंकि क्या है ना कहीं हम 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 भी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस से ब्यूरोक्रेट से सरकार से साथ साथ हम भी कुछ करते नहीं हैं उसके बारे में तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप से हमारे घर से शुरुआत करने की कोशिश की वो बदलाव लाने की कोशिश की करेंगे तो वो डेफिनेटली बदलाव आएगा और आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट इस बार ये है ये हमें अभी मौका भी है कि हम जाकर वोट करें एक ऐसे इंसान को चुने या एक ऐसी पार्टी को चुने जो यूनानिमसली सारे देश में आए और कोई ऐसा पार्टी आए जो यू नो इस इश्यूज़ को देखकर वो सुझाव ले आए आई थिंक फर्स्ट थिंग हमें ये करना चाहिए कि जाकर वोट करना चाहिए एंड एक्सरसाइज आई राइट टू वोट ना जिस तरह का फिल्म का सब्जेक्ट है कोयला को लेकर या उसके इश्यूज को लेकर वो कहीं ना कहीं अभी करंट देश का माहौल उसी तरह क्योंकि आम आदमी से आदमी को उससे इफेक्ट होता है क्योंकि कोयले से शुरुआत महंगाई की शुरुआत हमेशा कोयले से ही होती है और हर चीज़ उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड होता है बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइजेस बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशंस कोल बाहर से मंगाना कोल माइनिंग पे बैन लाना क्योंकि रेगुलरिटी के साथ माइनिंग हो रहा था तो आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी एक बहुत ही अलग कहानी ओके लास्ट जानना चाहूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा विनोद खन्ना साहब के साथ काम करना फैंटास्टिक आई थिंक विनोद जी को मैं काफ़ी टाइम के बाद ऐसे किरदार में देख रहा हूँ ही इज़ आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म उनकी लुक उनकी पर्सनैलिटी ऑफकोर्स एक्टर तो अच्छे हैं ही लेकिन जिस तरीके से आप उनका लुक देखिए फिल्म में बहुत ही अलग आई थिंक इट्स अ कम्प्लीटली न्यू इनिंग एंड अ न्यू विनोद जी जो आप पर्दे पर देखेंगे